बायोट सेवर्ट लॉ के अंदर एक क्वेश्चन आता होता है कि जैसे ये एक वायर है, इस वायर में यहां पे करंट आई एंटर किया, फिर डिवाइड हो गया, कुछ करंट आई टू इधर चला गया, कुछ आई वन इधर चला गया और फिर बाहर आ गया। ठीक, तो इधर से करंट गया आई वन, इधर करंट गया आई टू, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे क्या होगा। तो ये एक आर्क बन गई जिसने एंगल थीटा वन बनाया, ये एक आर्क बन गई जिसने एंगल थीटा टू बनाया। थीटा वन में आई वन करंट है, थीटा टू में आई टू करंट है। थीटा वन की वजह से बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट बाय फोर पाई थीटा वन आई वन बाय आर, रेडियस आर, और थीटा टू, इस आर्क ने एंगल थीटा टू बनाया तो फॉर्मूला बी का क्या लगेगा, आर्क की वजह से म्यू नॉट बाय फोर पाई थीटा टू आई टू बाय आर। इसकी वजह से चार फिंगर करंट के साथ बी कैसे है, इनसाइड इनसाइड, इसकी वजह से चार फिंगर, बी कैसे है, आउटसाइड। तो मैं बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर दूंगा, माइनस आंसर आएगा। लेकिन उससे पहले करंट अनइक्वल क्यों गया था, क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस डिफरेंट थी लेंथ की वजह से। एक की लेंथ L1 है तो एक की लेंथ यहां पर L2 है, तो रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस इसकी R2 है। अब आपको ये सेक्टर पता है, इस सेक्टर में एंगल थीटा वन इज आर्क बाय रेडियस, तो थीटा वन इज एल वन बाय आर, ये रहा। तो एल वन की वैल्यू आ गई, लेंथ आ गई, तो इस पोर्शन की रेजिस्टेंस क्या होगी, रो एल वन बाय ए, एल वन की जगह पुट कर दिया थीटा वन आर। तो साफ पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आर वन है वो किस पे डिपेंडेंट है, थीटा वन पे, क्योंकि सेम चीज जब इस वायर के लिए लगेगी या इस वायर के लिए लगेगी तो रेजिस्टेंस आर वन की जगह आर टू, थीटा वन की जगह थीटा टू, बाकी सारे फैक्टर सेम है। तो आपने रेजिस्टेंस निकाल ली, तो पहले आपने बी वन बी टू निकाल दिया, फिर एंगल इज आर्क बाय रेडियस से लेंथ निकाल ली, लेंथ से रेजिस्टेंस निकाल ली, रेजिस्टेंस टू भी निकाल ली। रेजिस्टेंस आर वन थीटा वन पे डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस आर टू थीटा टू पे डिपेंडेंट है, तो ऊपर थीटा वन की जगह आर वन पुट कर दिया, थीटा टू की जगह आर टू पुट कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब क्योंकि दो वायर्स पैरेलल में है तो आई वन आर वन मस्ट बी इक्वल टू आई टू आर टू, वी सेम रहेगा, वोल्टेज सेम है, तो आई वन आर वन आई टू आर टू, तो यानी कि बी का फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम आ गया। बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड ही सेम है, चेक कर लो, क्योंकि न्यूमिनेटर भी क्या हो गया, सेम। तो अब एक बी इनसाइड है, एक आउटसाइड है, नेट भी क्या होगा, जीरो। आज के बाद ये रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। शॉर्टकट फॉर्मूला रजिस्टर शॉर्टकट मारेंगे आज के बाद। ये डायग्राम बना लो, डायग्राम क्या है, आज के बाद कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि आपके पास ये एक वायर है, ये आई अमाउंट ऑफ करंट है, ये सी सेंटर है, आई करंट है, इसमें करंट आई टू है, इसमें करंट आई वन है, चाहिए छोटा बड़ा है, नेट बी की वैल्यू सेंटर पे जीरो, मार्क कर लेना, लिख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसी एनसीईआरटी में भी आता है, तो सीधा आंसर जीरो ही मार्क करना है। चाहे तुम्हें लगेगा कि एक वायर बड़ी है एक छोटी है, फिर भी आपने जीरो ही मार्क करना है। समझ में आ रहा है, करंट डिवाइड ही ऐसे होते हैं, एक में ज्यादा एक में कम, ताकि बी का मैग्नीट्यूड दोनों में एग्जैक्टली सेम आ जाए। तो समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो ये रिजल्ट सीधा शॉर्टकट लगेगा, और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा ही दिया था, एक वायर बाहर आ रही है, ये ऑलरेडी डिस्कस है, मैंने शीट में लिख दिया, आपकी बुकलेट में डाल दिया हुआ है मैंने।